36 में लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड एक्स। ठीक, सुन लिया सबने? सुन लीजिए फिर से, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ये मैग्नीशियम रिबन लिया गया और इसको किस में बर्नड किया गया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर में बर्नड किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू गिव अ वाइट कंपाउंड एक्स। क्या मिलता है हमको बताइए? वाइट कंपाउंड मिलता है और उस वाइट कंपाउंड को इन्होंने एक्स बोला है और हमें इस वाइट कंपाउंड का नाम बताना होगा, जरूर अभी क्वेश्चन पूछेंगे। सुनिए आगे, बोल रहा है कि एकॉम्पनेड बाय एमिशन ऑफ लाइट। क्या आपने नहीं पढ़ा है क्लास में कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि एरियल एटमॉस्फेयर में अगर हम बर्न करें तो ऑक्सीजन एयर से लेके वो डैजलिंग फ्लेम देता है, ठीक है, चमकती हुई फ्लेम देता है, क्लास में कराया गया, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये क्या बनाता होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाइट कंपाउंड क्या होता होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि एक्स तो आपको पता चल गया, तो पहली रिएक्शन तो आइए लिख ही लेते हैं जब पता चल गई है। तो देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या बनाता है बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। तो ये जो एक्स कंपाउंड बना था वाइट कंपाउंड, ये कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए पहला आंसर आ गया, ये आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक्स क्या बताइए आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। कोई डाउट है बताइए? अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आगे सुनिए। आगे क्वेश्चन बोला जाता है इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस इन द एटमोसफेयर ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो बर्निंग रिबन था, देखिए बर्निंग रिबन उन्होंने बोला है, अभी जल नहीं गया है पूरा, अभी पूरा बर्न नहीं हुआ है, अभी बर्न हो रहा है, ठीक है ना? तो ये देखिए, ये रिबन था और ये बर्न हो रहा था, अभी इससे डार्जलिंग फ्लेम निकल रहा था, उठा के इन्होंने एक कंटेनर में इसको डाल दिया। इस कंटेनर में क्या था बताइए? नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर था। क्या था? नाइट्रोजन का। हाँ, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। एक बात बताओ मुझे, ये जब रिबन ऐसे डाला होगा तो ये पीछे जो रिबन अभी बचा हुआ है, जो बर्न नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो पीछे रिबन बचा हुआ है, क्या उसमें मैग्नीशियम नहीं है? है। और मैग्नीशियम बर्न हो रहा था तो क्या टेम्परेचर वहाँ पे हाई नहीं है? है। तो इस टाइम बचा हुआ पीछे से जो मैग्नीशियम होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन तो है नहीं वहाँ, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन क्या होगी? ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सेकंड रिएक्शन क्या होगी? जो मैग्नीशियम होगा सॉलिड जो रिबन में पीछे, वो किसके एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करेगा? नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। और मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, मैग्नीशियम पे क्या होता है? 2 प्लस और नाइट्राइड आयन क्या होता है? N3 माइनस। तो 2 इधर चलाएगा, 3 इधर, तो क्या बनेगा बताइए? Mg3N2। ये क्या बन गया बताइए? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था और ये क्या बन गया? ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। कोई डाउट है? अब सुनिए, यही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इट कंटिन्यूस टू बर्न एंड फॉर्म द कंपाउंड वाई। ठीक, कह रहा है वो कंटिन्यूसली बर्न होता है, कंपाउंड वाई बनाता है, तो वो कंपाउंड वाई कौन होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो वाई क्या हो गया यहाँ पर? मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2। ओके, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। पहला क्वेश्चन सुनिए, इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूली ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है और वाई क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि, क्वेश्चन आगे सुनिए, कह रहा राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर। एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर, एक्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? मैग्नीशियम। हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स तो पहचान में आ गया ना। एक्स क्या था बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक्स की जगह हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में क्या लिखा हमने? वाटर, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा बताइए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा कंपाउंड बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? Mg पे क्या होता है बताइए? 2 प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन पे क्या होता है? -1। तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान से चेक करिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है? बिल्कुल बैलेंस है। कैसे? मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन चेक करिए, 1 प्लस 1 2 और हाइड्रोजन 2, और ये OH पे पूरा 2 लगा हुआ है। कितने OH है यहाँ? 2। एक OH में एक ऑक्सीजन है तो 2 OH में 2 ऑक्सीजन, एक OH में एक हाइड्रोजन है तो 2 OH में 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से X मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Y मैग्नीशियम नाइट्राइड है, एंड जब X को यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में क्या कराना था? वाटर में नहीं, इन्होंने कौन से शब्द का यूज़ किया है? डिजॉल्व, ठीक है।
तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर बना है ना, हमने आपको क्लास में दिखाया है वीडियो में, ठीक है, तो जो ये पाउडर बना है वाइट कलर का, इसको पानी में डाला तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी, ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे, प्लीज़ जाके क्लास करो बच्चों, सब कुछ कराया है, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए।